You said I killed you. Haunt me then. The murdered do haunt their murderers, I believe. I know that ghosts have wandered on earth. Be with me always. Take any form. Drive me mad. Only do not leave me in this abyss where I cannot find you. Heaven did not seem to be my home, and I broke my heart with weeping to come back to earth. And the angels were so angry that they flung me out into the middle of the heath on the top of Wuthering Heights, where I woke sobbing for joy. I have not broken your heart. You have broken it. And in breaking it, you have broken mine. I'm Heathcliff. He's always, always in my mind. Not as a pleasure any more than I am always a pleasure to myself, but as my own being. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. I cannot live without my soul. Hello and welcome back to my YouTube channel. ये जो अभी आपने कुछ lines सुनी, ये English literature के एक बहुत ही classic novel Wuthering Heights से ली गई थी. Wuthering Heights 1847 में publish हुई थी और ये novel शायद English literature का सबसे मशहूर novel है. आइए सबसे पहले इस नावल के कैरेक्टर्स पर बात करते हैं. मिस्टर अर्नशॉ वदरिंग हाइट्स का मालिक है. कैथरीन अर्नशॉ और हेंडले अर्नशॉ अर्नशॉ के बच्चे हैं. कैथरीन उसकी बेटी और हेंडले उसका बेटा है. फ्रांसिस अर्नशॉ हेंडले अर्नशॉ की बीवी है. हीथक्लिफ एक यतीम बच्चा है जिसे मिस्टर अर्नशॉ अपने साथ वदरिंग हाइट्स लाते हैं. इन कैरेक्टर्स के अलावा इस नावल में जोसेफ है जो कि एक सर्वेंट है और जिसे मज़हब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है. नेली डीन है जो कि एक हाउस कीपर है वदरिंग हाइट्स में. इजाबेला लिंटन और एडगार लिंटन है जो थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहते हैं. मिस्टर लॉकवुड हैं जो थ्रश क्रॉस ग्रेंज में किराए पर रहने के लिए आते हैं. इनके अलावा कैथरीन लिंटन हैं जो कैथरीन अर्नशॉ और एडगार लिंटन की बेटी है. लिंटन हीथक्लिफ है जो हीथक्लिफ और इजाबेला का बेटा है. हैरिटन अर्नशॉ है जो फ्रांसिस अर्नशॉ और हेनले अर्नशॉ का बेटा है. आइए अब इस नावल की कहानी की तरफ आते हैं. ये कहानी दो ख़ानदानों की है. ये कहानी दो नस्लों, दो जनरेशंस की है. अर्नशॉ एक दिन सफ़र से लौट कर आता है तो अपने साथ एक यतीम बच्चे हीथक्लिफ को लाता है. अर्नशॉ उस बच्चे से अपने बच्चों जैसा सलूक करते हैं. अर्नशॉ की बेटी कैथरीन का रवैया हीथक्लिफ के साथ अच्छा होता है, लेकिन उसका बेटा हेंडले उसे कबूल नहीं करता और उससे नफरत करता है. कैथरीन और हीथक्लिफ वक्त के साथ साथ एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन हेंडले की नफ़रत में इजाफा होता जाता है. गुजरते वक्त के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं. एक दिन अर्नशॉ की डेथ हो जाती है और हेंडले वदरिंग हाइट्स का मालिक बन जाता है. कैथरीन की मुलाकात पास के थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहने वाले एडगार लिंटन से हो जाती है. उनमें दोस्ती हो जाती है. कैथरीन शादी के लिए एडगार का इंतखाब करती है क्योंकि उसका रवैया समाजी तौर पर काबिल कबूल होता है और वो उस वक्त के मुआशरे के मुताबिक की शख्सियत रखता है. कैथरीन और एडगार की शादी हो जाती है. उधर हेंडले की नफ़रत हीथक्लिफ के लिए मज़ीद बढ़ जाती है और वो हीथक्लिफ को एक नौकर की हैसियत देने लगता है. कैथरीन की बेवफाई और हेंडले के जुल्म से दिल बर्दाश्ता होकर हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स छोड़ देता है. कुछ साल बाद हीथक्लिफ अमीर बनकर वापस लौटता है. वो हेंडले को मकरूज बनाता है और फिर उसकी सारी जायदाद उससे छीन लेता है. दूसरी तरफ हीथक्लिफ के आने के बाद कैथी उससे मिलती रहती है. हीथक्लिफ की मुलाकात इजाबेला से हो जाती है और एडगार और कैथी से बदला लेने के लिए उससे शादी कर लेता है.
वो इजाबेला पर जुल्म करके एडगर को तकलीफ़ देता है। कैथरीन एक बेटी कैथरीन लिंटन को जन्म देकर मर जाती है। इजाबेला एक बेटे को जन्म देती है। हेनले की बीवी भी एक बेटे हैरटन अर्नशॉ को जन्म देकर मर जाती है। ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और एडगर भी बीमारी से मुकाबला करते करते आखिर मर जाता है। हीथक्लिफ के बेटे की शादी एडगर की बेटी से होती है, लेकिन चूंकि वो बीमार होता है इसलिए कुछ दिनों बाद वो मर जाता है और हैरटन और कैथरीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हीथक्लिफ को लगता है कि कैथरीन का भूत उसके साथ रहता है और इस ऑब्सेशन में उसकी मौत हो जाती है। हैरटन और कैथरीन इस वादे के साथ शादी कर लेते हैं कि वो पिछली तमाम नफ़रतों और इंतकामों को भुलाकर नई पुरसकून ज़िंदगी का आगाज करेंगे। अब इस नावल की थीम्स की तरफ आते हैं। थीम्स इन वदरिंग हार्ट्स, लव एंड ऑब्सेशन। इस नावल का मरकजी थीम हीथक्लिफ और कैथरीन के दरमियान शदीद और तबाहकुन मोहब्बत है। जब कैथरीन कहती है आई एम हीथक्लिफ, तो ये उन दोनों की मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करता है, लेकिन ये मोहब्बत फसाद का बायस भी है। इसमें ना सिर्फ दोनों मोहब्बत करने वालों के लिए बल्कि उनके आसपास रहने वालों के लिए भी तकलीफ़ है। उनका आपस में एक ना होना ही ये सारी मुश्किलात पैदा करता है। रिवेंज, हीथक्लिफ का किरदार उसे इस बात पर मजबूर करता है कि वो उन सब लोगों से बदला लें जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था, खासकर हेनले और एडगर से। उसके मुताबिक हेनले और एडगर ने उससे कैथरीन और ज़िंदगी का सुकून छीना था। सोशल क्लास एंड पावर। ये नावल सोशल क्लास और पावर की डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करता है। हीथक्लिफ जो कि एक यतीम होता है, चालों और दौलत की वजह से ताकत हासिल करता है और वो पहले से मौजूद उसूलों को ललकारता है। उस पर सोशल क्लास की पाबंदियां और उसकी ताकत के ज़रिए उन पर काबू पाना उसके किरदार को बनाते हैं। वदरिंग हाइट्स के इर्द गिर्द वाक़े इलाका जो सख्त पौधों और चट्टानों पर मुश्तमिल है, वहां के किरदारों की अक्कासी करता है। इसके किरदार गैर तहजीबी याफ्ता और सख्त होते हैं। कैथरीन और हीथक्लिफ की तन्हाई में जज्बाती तौर पर एक साथ होना उनकी ट्रेजिक एंड्स की वजह बनती है, जबकि दूसरे कैरेक्टर इजाबेला और यंग कैथी हीथक्लिफ की पैदा करदा हालात की वजह से सफ़र करते हैं।